विस्तारक अभियान के तहत भिंड जिले के लाहार के विधानसभा के रौन तहसील जाते समय लाहार विधानसभा क्षेत्र के महाराणा प्रताप चौराहे पर कार्यकर्ताओं के हुजूम की अगवानी के लिए भाजपा नेता योगेंद्र सिंह उर्फ पप्पू चाचा ने जायजा लेते हुए समीक्षा की और कार्यकर्ताओं को समुचित कोरोना गाइडलाइन का पालन करने की सलाह दी। भिंड जिले के लाहार नगर में महाराणा प्रताप चौराहे पर रसाल सिंह, अम्बरीश शर्मा, मथुरा प्रसाद महंत के समर्थनों के द्वारा प्रदेश अध्यक्ष विष्णु दत्त शर्मा के भव्य स्वागत की तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। जगह जगह स्वागत स्थलों को तैयार किया गया है। नगर में भाजपा प्रदेश अध्यक्ष विष्णु दत्त शर्मा के दौरे को लेकर कार्यकर्ताओं में उत्साह देखने को मिल रहा है। यहां पर बताना उचित होगा कि अब भाजपा प्रदेश अध्यक्ष विष्णु दत्त शर्मा ने लाहार में बिखरी पड़ी भाजपा में एक जुटता की कवायद शुरू कर दी है। राजनीतिक विशेषज्ञों का मानना है कि भाजपा संगठन भाजपा प्रदेश अध्यक्ष का ये विस्तारक अभियान के तहत दौरा कहीं ना कहीं आगामी चुनाव की रणनीति के तौर पर तैयारी के रूप में देखा जा रहा है। इस मौके पर मुख्य रूप से योगेंद्र सिंह उर्फ पप्पू चाचा, सत्येंद्र महेश्वरी बूथ विस्तारक भाजपा मंडल भिंड लाहार, राजीव शुक्ला, मुकेश राणा जी, जबर सिंह कुशवाहा, बाबूलाल टैगोर मंडल महामंत्री के साथ सैकड़ों कार्यकर्ताओं के साथ प्रदेश अध्यक्ष विष्णु दत्त शर्मा के आने के पहले कार्यक्रम की रूपरेखा तैयार करते हुए नजर आ रहे हैं। कर रही है उसी कार्यक्रम के तहत आज हमारे प्रदेश अध्यक्ष का रायपुरा ग्राम में बूथ पर कार्यक्रम है और उस कार्यक्रम के लिए हम सभी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने जोर शोर से तैयारी की है। उनके स्वागत की तैयारी लाहार विधानसभा क्षेत्र के कार्यकर्ताओं ने अमायन से ही शुरू कर दी है और अमायन के बाद मछंड रायपुरा से वापसी उनकी लाहार होते हुए रावतपुरा सरकार पर है। पूरे रास्ते में स्वागत की काफी तैयारी की गई है।